आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का, तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। एक मुझे अच्छा लगा कि हम 2400 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपोलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन जरूर मैं खुलकर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी, तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है, वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं, लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था, यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। और फिर पूरा का पूरा, अच्छा तब तो ये हाइजेनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन हम दोनों, मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल, अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है, शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है, वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गाँव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसी यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारी आती गई, बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी
फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था खुद के बीच। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था, तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने हमारे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ, तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था, अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं। तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे, विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे, फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात में सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी, मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहां मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है, अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो, वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है, इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है, अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे। स्ट्रिक अलग चीज है, मैं स्ट्रिक हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता।
मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है भाई क्या ले आए हो, दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करें तो कैसा होगा। तो क्या होता है मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो। होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है। हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है जी। तो मैं जब जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊँ, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा हूँ और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, और मैं कहूँगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखे, उसे निकाले। जैसे मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूँ और अपना गुस्सा निकाल लेता हूँ, और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूँ और जोर से चीखता हूँ, कोई भी नहीं होता है। नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है। अच्छा, मन की स्थिति के लिए। ओके, एक तो होता है चेहरे पर बॉडी पे गुस्सा होना और शब्दों में व्यक्त होना, दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं एक अपने अंदर एक चीज डेवलप की थी, ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ भाई आई एम सॉरी मेरे से ये गलती हो गई, मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, और मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही, और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा, फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। इससे क्या होता था कि वो चीजें मेरी जो इमोशंस है उस कागज के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखते के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसमें से। तो मतलब ये आपका तरीका है? हाँ, ये आपका। लेकिन अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है। अच्छा, यानी मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया था। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें। पहला है कि अगर मैं PM बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में, मैं घर मन नहीं करता माँ, बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके, छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है, और इसलिए जिसको कहे लगाव मोह माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ, तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता,
जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।